डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख रहे हैं ना IIT मेंस 2022 का जो पेपर्स हैं उसमें जो भी सब कंसेप्चुअल टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ क्विक रिवीजन करते हुए कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे हैं ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट खुल जाए और उस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है। तो आप यहाँ से समझिए, हम लोगों ने क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन का डिस्कशन दिया था, कॉन्सेप्ट विथ प्रॉब्लम्स जो आ रहा है सो, और रिपीटेडली उस टॉपिक से आते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से ट्रिवियल करके और नॉन सोल्यूशन का कंडीशन डाल करके। बट आज हम लोग जो एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, वो इन इक्वेशन का क्वेश्चन होंगे कि ठीक है भाई, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, उसी में एरिया होगा, उसी में कर्व ट्रेसिंग होगा, उसी में कुछ मैक्स मीन का कॉन्सेप्ट लिया होगा, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, राइट। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे टेकल करें और ओवरऑल हम लोग न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस या दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस तरह से निकाल लेते हैं। तो लेट अस सी, ट्राई वन बाय वन, हम सरल लेंगे। आज एक यूनिट पर हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन हैं, हम एक एक करके लेंगे। और ये देखिएगा, क्वेश्चंस को अभी फिलहाल हम लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था लास्ट ईयर का पेपर में। पहले हम इसका पूरा डिस्कशन दे रहे हैं ताकि इस पैटर्न पे जितना भी क्वेश्चन आए वो आप लोग कर लेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे इसको कंसेप्चुअली क्विक रिविजन करते हुए इस पैटर्न का क्वेश्चन जितना भी आएगा हम कैसे सॉल्व कर लेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो रेडी टू टेक ऑफ डियर स्टूडेंट्स, यस, एनर्जी रखिए और थोड़ा पेशेंस भी रखिए। और कहते हैं ना कि हैव पेशेंस एंड गट्स टू क्रैक द क्वेश्चंस, ये अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे। मन के हारे हार और मन के जीते जीत वाली बात होती है। तो कभी भी आपको लेट डाउन नहीं होना है ना। हमें लगता है कि दिस इज द क्वेश्चन एंड मीट फॉर मी, आप इस एटीट्यूड के साथ बनाए कि ये क्वेश्चन है और मेरे लिए ही है और हम कर पाएंगे। तो लेट अस सी, हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग और भी लेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, देखिए है एरिया है जिसमें एक्स वाई दो वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मिनिमा ऑफ एक्स प्लस टू एंड फोर माइनस थ्री एक्स। अब मिनिमा है, कहीं कहीं मैक्सिमा लिखा रहता है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मिनिमा एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा, टेंशन नहीं लेना है ना, अभी हम एक एक करके चलते हैं। तो पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से लगा लेते हैं, आप आ जाओ यहाँ पर, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। राइट साइड में थोड़ी सी लंबी सॉल्यूशन जाएगी बट कॉन्सेप्ट है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आपके पास जैसे ही सवाल ये आ गया, ये देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मीन लिखा हुआ है, कहीं कहीं सवाल में आप मैक्स देखिएगा। तो मीन मैक्स का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स प्लस, ये देखिए तो एक्स प्लस टू है एंड दूसरा है फोर माइनस थ्री एक्स। माई डियर, यहाँ देखिएगा ये वाला जो वैल्यू लिखा हुआ है, वाई का मान है, एक बार ये इसको पेयरिंग कर लीजिए और एक बार इस साइड में पेयरिंग कर लीजिए। फिर से हम बोलेंगे, अगर इन इक्वेशन के टर्म में लिखा हुआ है गिवन प्रॉब्लम को तो दो पार्ट में बांट लीजिए, एक पहला वाला इन इक्वेशन फिर दूसरा वाला इन इक्वेशन। तो दो पार्ट में हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो हमेशा क्या करना है, आप इसको फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, या इसी को कोई कहेगा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी इन इक्वेशन का प्रॉब्लम मिले तो लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन रहे तो पहला काम करना है इक्वल टू करके हमें कर्व को ट्रेस कर लेना है। तो हम लोग को कैसा कर्व करेंगे, तो पहले इक्वल टू कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। ये देखने से लग गया कि दिस इज द पैराबोला इक्वेशन और पैराबोला इक्वेशन एक्स का पावर दो है तो वाई में सिमेट्रिक होगा और एक्स का मान जीरो है तो वाई का भी मान जीरो होगा, तो ओरिजिन से जाएगा। तो ये तो तय हो गया कि आपका यह पैराबोला इक्वेशन है जो सिमेट्रिक अलोंग द वाई एक्सिस होंगे, राइट। और जब सिमेट्रिक अलोंग द वाई एक्सिस हम लोग को मिल गया तो अब यह साइन है ग्रेटर, ग्रेटर रहेगा तो कर्व से ऊपर और लेस रहेगा तो कर्व से नीचे वाला रीजन हम लोग लेते हैं, तभी इसका हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। दूसरा प्लॉटिंग हम लोग क्या करेंगे इसको समझिए, दूसरा प्लॉटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी अपना बदल लेते हैं स्ट्रेटजी को। देखिए यहाँ से ये कह रहा है वाई मीन ऑफ दिस, मतलब यहाँ पर दो चीज़ लिखा हुआ है, y इक्वल टू आपके पास क्या लिखा हुआ है x प्लस
टू, तो पहले हम लोग क्या कहने वाले हैं सो समझिएगा। ये लिखा हुआ है कि y का मान लेस है, तो हम लोगों ने लेस कर दिया। तीसरा कंडीशन में भी हम लोगों ने ये बात को लिख लेते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास वैल्यू है y लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 3x। इम्पॉर्टेंट, यहाँ से अगर हम जैसे ही बोले हैं तो y इक्वल टू 4 माइनस 3x, ये हम लोगों ने इक्वेशन बना लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे तो दिस वैल्यू इक्वल टू हाउ मच, y इज इक्वल टू x प्लस 2। ध्यान रखिएगा भाई, ये लेस देन है, मतलब जो इक्वेशन हम खींचेंगे उससे नीचे, मतलब ओरिजिन की ओर। ये भी इक्वेशन जो खींचेंगे लेस देन यहाँ दिया हुआ है, तो पहले हम ग्राफ खींच लेंगे, उसके बाद हम नीचे वाला शेडिंग करेंगे और ग्रेटर रहेगा तो कर्व से ऊपर के पार्ट को शेडिंग करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द एरिया वैल्यू। उसमें भी आपको लगा दिया है मैक्स और मीन का कंडीशन, तो व्हाट इज द मैक्स मीन वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो ये देखिए, फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा प्लॉट करने जा रहे हैं ना, तो अगर हम लोगों ने प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग में हमारे पास ग्राफ जो आ रहा है, ये देखिए, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड ऊपर वाला है वाई एक्सिस। तो कर्व के अगर बारे में हम लोगों ने ग्राफ खींचेंगे तो ओरिजिन से जाते हुए एक कर्व हमने खींच दिया और इसका मान हम लोगों ने कह दिया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो कर्व हम लोगों ने खींचा, इस कर्व का मान हम लोगों ने क्या कहेंगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जैसे ही ग्रेटर देन का मान है, इसका मतलब एरिया ऊपर वाला पार्ट को हमको लेना है, पाराबोला के ऊपर वाला पार्ट को लेना है। समझिएगा एक एक करके ना, अगर ये वाला मान लेस देन रहता तो हम नीचे वाला एरिया लेते, ग्रेटर है इसलिए हम लोग ऊपर वाला एरिया ले लिए हैं। अब आइए, ये कह रहा है वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। चलो भैया थोड़ी सी हम आप लोग कलर बदल लेते हैं, y इक्वल टू क्या कहना है, x प्लस टू। अगर x का मान जीरो रख देंगे तो y का मान दो आ गया, चलो भाई यहाँ पर दो आ गया, और अगर y का मान जीरो रखेंगे तो x का मान माइनस टू आ गया। ये हम लोगों ने ग्राफ को पकड़ करके ऐसे खींच दिया। दिस इज द ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ये ग्राफ है, करेक्ट है। दिस इज द ग्राफ, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ है। अगला पॉइंट हम लोग कहेंगे, अब ये देखिएगा, ये कह रहा है कि भैया ये लेस देन है, तो लेस देन है मतलब ओरिजिन की ओर, तो ये हम लोग ऐसे शेडिंग करेंगे, राइट। अगर ग्रेटर रहता तो ऊपर की ओर, लेस है का मतलब नीचे की ओर लेंगे, ये शेडिंग हम लोगों ने कर दिया। अब बताइए कि y इक्वल टू 4 माइनस 3x, तो माय डियर ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, टेंशन आपको नहीं लेना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये टेंशन आपको तन को नहीं लेना है। y इक्वल टू 4 माइनस 3x, x का मान जीरो रखिएगा तो y का मान आपका यहाँ पर दो था, यहाँ तीन है, यहाँ पर चार मिल गया। ये वाला मान x का मान जैसे जीरो रखेंगे तो जीरो और फोर मान ये हम लोग को मिल गया। अब बताइए y का मान जीरो रख देंगे तो x का मान हमें 4/3, तो 4/3 है तो एक से थोड़ा सा ज़्यादा, या दो है तो एक से थोड़ा सा ज़्यादा, हम लोगों ने ये ले लिया। आई थिंक सो कि दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ हमारे पास जो आया, ये ग्राफ किसका आया, दिस इज द ग्राफ वी हैव गॉट, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। चेक इट माय डियर, अगर ये कहा हुआ है कि लेस देन, यहाँ साइन दिया हुआ है, तो लेस देन का मतलब ओरिजिन की ओर वाला पार्ट ले लेना है। तो अब कॉमन एरिया अगर आप लोग देखेंगे कि वी हैव टू कैलकुलेट द कॉमन एरिया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम लोग एक एक करके ले लेते हैं। तब आ जाइए यहाँ से, हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को यहाँ चाहिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को यहाँ चाहिए, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग ये कह देंगे, देखिए यहाँ से अगर नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो हम लोग ये कह देंगे बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ कौन सा लाइन है, एक्स प्लस टू एंड पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन एंड सी द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे तो एरिया हम लोग को कौन सा निकालना है, तो कॉमन एरिया बाउंडेड एरिया क्या हो गया, तो ये देखिएगा कॉमन बाउंडेड एरिया आपको इसका मान निकालना है, इज इट, दिस इज द वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। आप लोग इस चीज़ को समझिए। तो इन इक्वेशन का पहले हम लोग को ग्राफिंग क्लियर है, तो ग्राफिंग हम लोग कर देंगे, लेस देन है तब,
ग्रेटर देन है तब, इक्वल टू है तब, तो हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन जहाँ भी देखिए पहले इक्वल टू करके और इक्वेशन बना लें, उसके बाद हम लोग कर्व खींच लें या स्ट्रेट लाइन खींच लें, आफ्टर दैट कॉमन एरिया हम लोग कह देंगे। अगर ग्रेटर रहेगा तो कर्व से ऊपर मतलब ओरिजिन से दूर की ओर, लेस रहेगा तो कर्व से नीचे अर्थात ओरिजिन की ओर, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। अब बताइए कि हम लोग का पूछेगा कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द कर्व y इक्वल टू x प्लस टू एंड y इक्वल टू कितना बात है 4 माइनस 3x। तो पॉइंट ए के लिए हम लोग कह देंगे पॉइंट ए इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन बाय सॉल्विंग टू स्ट्रेट लाइन्स टू स्ट्रेट लाइन्स। ये कहानी है। ओके तो अब यहाँ से आप लोग देखें, यहाँ से हम लोग टू दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास है y इक्वल टू 4 माइनस 3x एंड अगला है y इक्वल टू x प्लस 2। अब ये दोनों को सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू है तो हम लोग यहाँ से कह देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 4 माइनस 3x, उठा लीजिए 4x इक्वल टू ये इधर गया तो हमारे पास 4x इक्वल टू ये इधर आ गया 2, तो x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 1/2। तो बड़ा पॉइंट के लिए हम लोग बात करेंगे x इक्वल टू 1/2, तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं 1/2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5/2, इसकी ज़रूरत नहीं है बट अगर आपसे पॉइंट कभी पूछ लिया तो बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। ये देखिएगा इस पॉइंट का मान x का वैल्यू है 1/2 एंड दिस इज 5/2, दिस इज द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो स्ट्रेट लाइन का मिला। अब आगे देखिए हमारे पास ये लाइन है और कर्व है तो ये हम लोग ए बी पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो बी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग फॉर बी पॉइंट। अगर ऐसा करेंगे तो बी पॉइंट के लिए है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरा बात है यहाँ से देखिएगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब ऐसा कर लेते हैं दोनों को हम लोग क्या सॉल्व करना है, तो दोनों को अगर हम लोगों ने सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। व्हाट इज द पॉइंट वी हैव गॉट इट, तो x हमने कॉमन ले लिया x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया x माइनस 2 एंड दिस वैल्यू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। चेक कीजिए ये हम लोगों ने अरेंज कर दिया x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड व्हाट इज दिस 2। इम्पॉर्टेंट बात x का मान हमारे पास माइनस 2 वाला वैल्यू है तो ये वाला हम लोगों ने लिया माइनस ये 1 और ये वैल्यू 2 टू राइट साइड में है जो कि जाकर के उधर कर्व को कट करेगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है क्योंकि एरिया में चाहिए ही नहीं। तो माइनस 1 और माइनस 1 अगर हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो ये वाला मान y का मान 3 मिल जाएगा। अगला वाला जो पॉइंट है ये देखिएगा हम लोग को जो निकालेंगे दिस इज द वैल्यू, ये क्या निकलने वाला है तो पॉइंट C का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे निकल रहा है, पॉइंट C का इंटरसेक्शन में देखिएगा तो वैल्यू हम लोग को y इक्वल टू क्या आ रहा है, सो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4c, किसके लिए हम लोगों ने निकाला 4c। जब प्रैक्टिस रहेगा तो डियर इतना समझाने के लिए हम लोग कह रहे हैं बहुत फास्ट बनता है यह सारा चीज़, इतना थोड़े सॉल्यूशन निकालने के लिए दिख जाता है कि हाँ ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये बताइए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगला इक्वेशन है y इक्वल टू 4 माइनस 3x, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो पॉइंट को आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो हम लोग का वैल्यू आ गया है, कॉमन ले लेते हैं
तो कॉमन हम लोग को क्या मिल रहा है आइडिया, ये बताइएगा। यहाँ से कॉमन ले लिए तो दिस वैल्यू इज व्हाट एक्स एंड दिस इज व्हाट एक्स प्लस फोर, आपको भी लग रहा होगा। यहाँ से माइनस वन ले लेते हैं तो दिस इज एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू व्हाट जीरो, तो वैल्यू है एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो वी हैव गॉट इट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। ध्यान रखिएगा ये कट भी करेगा, ये वाला कर्व जो है ये दो जगह पर कर्व को कट करेगा, ये कर्व को दो जगह कट करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कट करेगा, ये सी पर भी कट कर रहा है और ये जो सी लाइन जो है कट करके इस कर्व को जा करके माइनस फोर पर कट करेगा। बट हम लोग के एरिया शेडेड पोर्शन में है, ये इधर वाला और आगे वाला पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो हम लोग रिजेक्ट कौन कौन पॉइंट को कर दे रहे हैं ध्यान से अगर देखिएगा, तो एक्स इक्वल टू हम लोग को वन ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू वन ले रहे हैं और इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो शेडेड पोर्शन लिए हैं उसमें ये पॉइंट है ही नहीं। तो हमारे पास वैल्यू जो पॉइंट आया हुआ है इसके बारे में देखिए, ये वाला पॉइंट क्या आया हुआ है, ये पॉइंट हम लोग को एक्स इक्वल टू वन लिए और जैसे ही यहाँ पर वन मान रख दीजिएगा तो वाई का मान भी आपको वन वन मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक थिंग्स वी हैव प्रिपेयर्ड। अब हम लोग को एरिया निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट इट। ओके अब आइए फाइनली हम लोग इसको कैसे निकालते हैं एरिया, इसके बारे में हम लोग अब जांच परख करते हैं। तो सब पॉइंट हम लोग माइडियर ले चुके हैं, अब पॉइंट ले चुके हैं तो अब थोड़ा सा फोटो देखिए और एरिया हम लोग निकालने वाले हैं। तो एरिया में आपके पास क्या क्या वैल्यू आएगा ये एक एक करके आप लोग देखिए। यहाँ से हम लोग यहाँ से आपके पास एक मार्क करते हैं, ये देखिए इससे हम लोगों ने एक मार्क किया, इसका मान हम लोग का कितना है 1/2। दिस वैल्यू को अगर हम लोगों ने मार्क किया तो दिस वैल्यू इज हाउ मच 1/2। तो इम्पॉर्टेंट सा बात अगर हम लोगों ने निकालेंगे तो एरिया निकालना कहाँ से है, इस कर्व से और पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच में। अब कह रहा है मिनिमम एरिया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम का मान का मतलब क्या है, मिनिमम का मान का मतलब क्या है। ध्यान रखिएगा ये वाला कर्व ऐसे 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 गया, ये आगे चला जाएगा तो हम लोग को देखिएगा ये वाला एरिया इधर का आएगा, हमको नहीं। अब जो दूसरा लाइन है उसके अंदर का मिनिमम का एरिया, तो मिनिमम के एरिया में आप देखिएगा कि ये वाला एरिया हम लोग नहीं ले सकते हैं, मिनिमम कहा तो यहाँ से यहाँ तक मिनिमम आया। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ जाए और फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, दिस इज द मिनिमा ऑफ द एरिया। अगर हम लोग को रहता कि ये लाइन यहाँ से गया तो आगे तक जा रहा था, ये लाइन यहाँ तक कट कर रहा था, तो ये वाला एरिया भी नहीं लिए, आगे वाला एरिया भी नहीं लिए, दिस इज द मिनिमा वैल्यू। मतलब ये कर्व का और ये कर्व के दोनों के बीच में सबसे मिनिमा मान जो एरिया जो कॉमन दे देगा पैराबोला के साथ उसको हमको लेना है। तो इसको लेने के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, सो देखिएगा, फर्स्ट ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, ऐसा मान लिख दे रहे हैं। ए वन एरिया कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो माइनस वन से लेकर के एक बटे दो तक स्ट्रेट लाइन के अंदर और ये पैराबोला के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन के एरिया में से पैराबोला के एरिया को हटा दीजिएगा तो ये वाला कॉमन एरिया हम लोग को मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ से लिख दीजिए, स्ट्रेट लाइन क्या है भैया, एक्स प्लस टू, स्ट्रेट लाइन है एक्स प्लस टू, ये देखिएगा है एक्स प्लस टू माइनस पैराबोला स्क्वायर है, दिस इज द वैल्यू डी एक्स। मान कहाँ से शुरू होता है, दिस इज माइनस वन से लेकर के वन बाई टू तक। अब आगे बोलिएगा ए टू का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो ए टू का मान यहाँ से कर्व का लाइन बदल गया, कर्व क्या हो गया फोर माइनस थ्री एक्स। ओके इस कर्व में से नीचे से पैराबोला वाला इक्वेशन को हम लोग को हटाना है क्योंकि हम लोग को ये वाला एरिया चाहिए ना, ये वाला एरिया चाहिए। हम शेडिंग करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ये देखिएगा हम लोग को एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, दिस इज द एरिया। तो ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर का टोटल एरिया निकाल के ये वाला पैराबोला को हटा दीजिए, तो दिस इज द वैल्यू एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने काम कर दिया, टोटल का मान जो आया उसको हम लोगों ने डी एक्स कर दिया, ध्यान दीजिए राइट। ये दिस इज द वैल्यू और इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर करके टोटल का जो मान आया इसका मान हम लोगों ने क्या किया, डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, तो ये है एक वन बाई टू एंड ये है वन, तो हम लोग का वैल्यू है वन बाई टू से लेकर के
वन तक. दिस इज द लिमिट वैल्यू एंड दिस इज द इक्वेशन वी हैव मेड इट. तो फर्स्ट हमारे पास क्या मिला है, कर्व ट्रेसिंग. फर्स्ट हम लोग को क्या मिला, कर्व ट्रेसिंग मिला. और कर्व ट्रेसिंग के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खोजे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद में हम लोगों के जो शेडिंग पोर्शन है मिनिमा कहा हुआ है, तो जो लाइन हम लोग खींचे हुए हैं उसका मिनिमा लेना है. तो ये लाइन का पार्ट अगर देखेंगे तो आगे तक जा रहा था, ये लाइन इधर आगे तक जा रहा था, तो ये दोनों के कॉमन एरिया में जो मिनिमम वैल्यू देगा, तो इसके नीचे पैराबोला, इसके नीचे और पैराबोला, क्योंकि ये हम कंटिन्यूएशन में ले लेते तो इसके नीचे और पैराबोला लेते तो ये एरिया भी आ जाता, लेकिन हमें लेना क्या है, मिनिमा ना. तो मिनिमा कंडीशन डाला हुआ है, इसीलिए हम लोग को एक कॉमन एरिया जो छोटा सा मिला है उसका वैल्यू निकालना है. तो अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं. सी, अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करेंगे सोच समझिएगा. अगर इसका एरिया वैल्यू निकालना है तो हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं. देख लीजिए, लिमिट पहले है माइनस वन से, दिस वन, इसका भी लिमिट हम लोग, तो एक एक वन बाय वन जस्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट. देखिए यहाँ से a इक्वल टू वैल्यू है x dx, और यहाँ पर है 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर. हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2x माइनस एक्स थ्री बाई थ्री. लिमिट का मान बोलिएगा, तो लिमिट का मान हमारे पास है माइनस वन से लेकर के वन बाई टू तक, राइट भाई. फिर दूसरा का मान अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से देखिएगा 4x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स थ्री बाई थ्री. लिमिट वैल्यू 1 बाई टू से लेकर के 1 तक है. दिस इज द वैल्यू, ये एरिया का मान आएगा, इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दिया हुआ है. तो समझिएगा ये सब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है जिसमें कि दम लगते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं ना. अगर ये सारी पॉइंट पता चल गया तो आगे देखिएगा कि मैक्स और मीन कहीं लिखा रहता है तो हम लोग कैसे काम करते हैं. तो हैव पेशेंस, हैव गट्स. ये पूरे रिविजन है कि हम लोग कॉमन एरिया कैसे निकाले, मैक्स मीन रहेगा तब कैसे सोचते हैं, पैराबोला है तब, लेस देन ग्रेटर देन है तब. एक ही सवाल में अगर कंडीशन दिया हुआ है तो हम सबको कैसे कोरिलेट करते हैं, और दिस कोरिलेशन अगर आप लर्न कर लिए तो आपका काम बन जाएगा. तो लिमिट रख लेते हैं. यहाँ से देखिएगा दिस वैल्यू, आई एम गोइंग टू राइट दिस वन, वन बाई टू है ये है, एंड दिस इज वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री वन बाई टू का होल क्यूब. ये देखिए ये वैल्यू हम लोग अपर लिमिट हुआ. माइनस लोअर लिमिट के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है वन बाई टू माइनस टू प्लस वन बाई थ्री. ये इतना मान आया ए वन के बारे में. सिमिलरली हम लोग इसका भी मान ले लेते हैं उठा करके, चेक कीजिएगा, ये प्लस वन रखिए तो फोर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री, ये ऐसे मान है. माइनस ये देखिए लोअर लिमिट के बारे में बात करेंगे तो फोर इंटू वन बाई टू माइनस थ्री इंटू थ्री बाई टू है ये है, और वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल क्यूब एंड दिस इज वन बाई थ्री. ये सारी कहानी हम लोगों ने ले रखा है. अब वन बाई वन करके हम लोग लिख देते हैं, हटाने की जरूरत नहीं है. एक बटे दो और एक बटे चार, वन बाई एट प्लस ये कट कट हम लोगों ने वैल्यू ले लिया है. तो दिस इज द वैल्यू वन माइनस ये है दो का चार का आठ, दिस इज वैल्यू 24. ओके, माइनस वन बाई टू माइनस टू प्लस वन बाई थ्री ऐसे है, प्लस ये देखिए है फोर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री, ये भी हमारे पास इस तरह का वैल्यू आ गया, प्लस ये माइनस ना माइनस माइनस मान हम लोगों ने ये देखिएगा टू माइनस थ्री बाई टू है और फोर है तो हमारे पास वैल्यू कितना रहा है माय डियर, थ्री बाई एट, और ये एट है, यहाँ से टू का क्यूब एट आएगा और वैल्यू चौबीस, तो हमारे पास 24 हो गया, राइट.
एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। हमने अपर लिमिट वैल्यू रख दिया है और लोअर लिमिट वैल्यू रख दिया हुआ है। तो अपर लिमिट जब वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट में लिखा, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू। फिर सेकेंड वाला इंटीग्रेशन में जो हम लोगों ने लिया, दिस इज अपर लिमिट कॉरस्पॉन्डिंग एंड दिस इज लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग में है। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन रफली कर लीजिएगा। तो आप एलसीएम लीजिएगा, ये आपका काम है, ये मेरा काम है नहीं, जस्ट हमने आंसर तक आपको पहुंचा दे रहे हैं और समझाना है, इसलिए हम वो स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं, इतना समय नहीं लगता है जब आप स्पीड में बनाएंगे। तो सीधा हम लोगों ने ये जैसे करेंगे, आप एलसीएम ले लें या आप इसको छोटा छोटा करके कैलकुलेशन कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो हम लोगों ने यहाँ ले लिया एलसीएम, तो 24 हो गया या 3 या 24 यहाँ पर माइनस 1। फिर यहाँ से देखिए 3 6 का एलसीएम ले लिया हुआ है। आप छोटा छोटा करके भी निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें कैलकुलेशन को, जस्ट हमें समझाना है, इसलिए हमने दे दिया कि ऐसा ऐसा स्टेप्स, इतना इतना न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो हम लोगों ने बात किया हुआ है, तो 3 - 12 + 2। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 6 ले लिया, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 - 9 - 2, और ये वैल्यू है 24 है, तो 24 ये 2 जा 48 - 9 - 1। ओके, तो जब हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन देखा तो ये देखिएगा 26 - 24 आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 3 - 2 - 5 है, -7 - 6 है, और ये आपका वैल्यू हो गया 13 - 6, और ये आपको माइनस आ गया 24 वाला को एक साथ में कर दिया, और ये 6 वाला को एक साथ में कर दिया, तो 26 - 24 - 38 - 24 अगर हम लोगों ने किया तो ये मान स्मॉल है और ये मान आपका बड़ा है, तो माइनस वैल्यू है 12 - 24, और प्लस ये देख रहे हैं ना 13 और 7, 20 - 6 काट दिया, -1/2। ये जैसे ही एलसीएम लेके सॉल्व किया तो दिस इज द वैल्यू -3, एंड यहाँ पर कितना 26, दैट इज व्हाट द वैल्यू आपके पास है आंसर 17/6। अब 17/6 हम लोग का ये आंसर आ गए हैं। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट आपकी मर्जी है, हमने कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हमारे पास इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इन इक्वेशन को तोड़ना है। इन इक्वेशन को तोड़ने के बाद ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एंड अंडर द गिवन कंडीशन इन इक्वेशन के अंदर में एरिया का सेडेड करना है। अब एरिया का सेडेड करना है और मैक्स मीन का कंडीशन, अगर मीन लिखा हुआ है तो मीन वाला पार्ट को देखेंगे, मैक्स लिखा रहेगा तो मैक्स वाला पार्ट को सेडिंग करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कहीं मीन लिखा हुआ है तो कहीं मैक्स लिखा हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चंस आपको डिफरेंशिएबिलिटी में भी टकराएगा मैक्स मीन करके। तो आगे आप तैयार रहिएगा, आगे हम क्वेश्चन लेंगे ही लेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि किलिंग मेनी वर्ड्स विथ वन कॉन्सेप्ट वाली बात है, बहुत सारे प्रॉब्लम पर हम लोग को यहाँ पर इंटर रिलेशन अगर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर इंटर रिलेशन है, तब हम लोग जाके ये क्वेश्चन को निकाल पाते हैं, और यही जेई का ब्यूटी है कि हाउ टू कोरिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंट मैथमेटिकल ब्रांचेज टू सॉल्व द गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि अलग अलग मैथमेटिक्स का पार्ट को उठा करके जोड़ करके हम गिवन प्रॉब्लम को बना सकते हैं। अगर ये में आप कंप्लीट सक्षम हैं, यू आर एबल टू जस्ट कोरिलेट द ऑल द कॉन्सेप्टेड एट अ टाइम इन द गिवन कंडीशन, आई थिंक सो कि आपका क्रैक कर जाइएगा। तो आपको ये कोरिलेशन का फंडा डेवलप करना है, और हम धीरे 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 और भी सवाल लेंगे। आज हमने ये एरिया, ग्राफिंग, मैक्स, ये सब का कॉन्सेप्ट लिए हैं। अगले दिन टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा से और कंडीशनल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पॉलिनोमियल का इक्वेशन आएगा, उससे हम लोग कोरिलेटेड करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में करेंगे, एक एक करके लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे, ताकि हम लोग का पूरी रिविजन हो जाए। तो आप इसको तैयार रहेंगे। फर्स्ट हमारे पास इस सवाल को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, हाउ टू सेट द गिवन एरिया, एंड जब एरिया फिक्स हो जाता है तो लिमिट फिक्स करना है, एंड आफ्टर दैट यू कैलकुलेट इट, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आप लोग आराम से इसको बनाएं एंड इन्जॉय करें मैथमेटिक्स को। तो हम अगला प्रॉब्लम फिर से ये आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल एक साथ मिला करके जो प्रॉब्लम बने हैं हम उसे लेंगे। थोड़ी सी समय लगेगा बट लर्न ज़्यादा करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चन बनाने से बढ़िया है एक क्वेश्चन ही हम लोग बनाएं, और एक क्वेश्चन को रगड़ के बनाएं और कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाएं, सो दैट कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक सो विल गेट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।